सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में अनेक सिस्टम प्रेजेंट होती है, जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। वैसे ही हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होती है, जिसमें हार्मोन का सिक्रेशन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन वहाँ पर होता है। तो आज हम देखने वाले एंडोक्राइन सिस्टम, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी सी द व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ अ ग्लैंड एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेटेड। मतलब ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से ग्लैंड से बनी हुई है। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। अल्दो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर है। ये क्या करते हैं? द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्किन, थाइमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस एंड द प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस एंड रिलीज द हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? ब्रेन में या फिर हार्ट, लंग, लिवर, स्किन, इसमें ये क्या करते हैं? डायरेक्टली हार्मोन्स का सिक्रेशन वहाँ पे करते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उधर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं? अपना डायरेक्टली जो हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली वो क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। द रिलीज ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या करता है? उस हार्मोन्स को क्या करता है? थ्रू आउट द बॉडी वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करता है। ईच हार्मोन्स एक्ट्स ओनली अ सर्टन काइंड ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड एज द टारगेट टिश्यू। जो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक ऑर्गन पर या फिर स्पेसिफिक सेल पर या ये क्या करते हैं? जाकर वो बाइंड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टारगेट टिश्यू। उसके बाद हम देखेंगे द फंक्शन ऑफ अ एंडोक्राइन सिस्टम। द कंट्रोल द प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट एंड द फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। ये जो हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? हम अपने बॉडी में मूवमेंट या फिर जो ग्रोथ होती है वो करते हैं, या फिर जो फिजियोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी में वो मेंटेन करते हैं। द इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू और ग्लैंड दैट सीक्रेट द हार्मोन्स इनटू द ब्लड। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? डायरेक्टली हार्मोन्स का सिक्रेशन क्या करती है? ब्लड में करती है। द सिक्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेट बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं या फिर सिक्रेशन वहाँ पे होता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है ये हम आगे देखने वाले। द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन्स कैन बी अल्टर टू मीट द बॉडीज डिमांड। मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्गन को जितना डिमांड होता है उतना हार्मोन्स का सिक्रेशन वहाँ पे होता है। मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है वो क्या करते हैं? उस हार्मोन्स को या फिर उस ग्लैंड को क्या करते हैं? वो सिग्नल देते हैं और बाद में वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। हम देखेंगे व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। द फंक्शन ऑफ अ एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस का रेगुलेशन वहाँ पे होता है, उसे क्या कहते हैं हम? हार्मोन्स कहते हैं। द प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी इन अ फीमेल एंड टेस्टिस इन अ मेल। तो ये जो ग्लैंड है ये हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे द फंक्शंस रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कौन से फंक्शंस रेगुलेट करती है और वो फंक्शन रेगुलेट करने के लिए वो कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं उसमें आते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन, थायरोसिन एंड ट्रायोडोथायरोसिन, कैल्सोटोनिन, स्टोमेटोसेसिन। ये क्या करते हैं? ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हीलिंग के लिए कौन से हार्मोन्स होते हैं उसमें आते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन, टायरोसिन एंड
triiodothyroxine, calcitonin, glucagon, insulin, erythropoietin. उसके बाद वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर में कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, दैट इज ADH, aldosterone, angiotensin 2, RTL, nutritic EH एंड epinephrine. उसके बाद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कौन से हार्मोन आते हैं, उसमें आते हैं कैल्सोटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो हार्मोन आते हैं वो है टायरोसिन, ट्राइआयोडोथायरोसिन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इफिनेफ्रिन एंड नॉन इफिनेफ्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और कॉर्टिसोल. और जो स्ट्रेस में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें आते हैं एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन, T4 एंड T3, ACTH एंड कॉर्टिसोल. ये जो मैंने सब हार्मोन बताए इसका हम स्टडी आगे करने वाले और कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करती है ये भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप हार्मोन्स का रिएक्शन कैसा होता है, हार्मोन्स का मेकानिज़म क्या है, हार्मोन्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे पीने जो मेजर्स जो ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में ही देखने वाले. तो आज हमने जो देखा वो था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.